हेलो दोस्तों, आज किस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि पंजाब नेशनल बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन अर्थात पीएनबी वन में पहली बार रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। पीएनबी वन में रजिस्ट्रेशन दो स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में हमें कुछ पासवर्ड बनाना पड़ता है, साथ ही अपना यूजर आईडी पता करना पड़ता है, और सेकेंड स्टेप में उस यूजर आईडी की मदद से लॉगिन करके एम पिन बनाना पड़ता है। इसके बाद हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। इस जगह एक चीज बताना चाहूंगा, आप अपना यूजर आईडी अपने होम ब्रांच में जाकर भी पता कर सकते हैं या आप अपने पासबुक से भी पता कर सकते हैं, बट इस वीडियो में मैं बिना पासबुक या बिना बैंक विजिट किए ही अपना यूजर आईडी निकाल कर दिखाने वाला हूं। ठीक इसी प्रकार से आप अपना यूजर आईडी भी निकाल सकते हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा, पीएनबी वन एप्लीकेशन में सिम बाइंडिंग फीचर को ऐड किया गया है, इसलिए आप जिस फोन में पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उस फोन में आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक या रजिस्टर्ड नंबर वाला सिम लगा लें। साथ ही एक चीज का ध्यान और रखें कि आपका वह नंबर रिचार्ज हो, वरना ओटीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए पीएनबी वन एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने फोन के प्ले स्टोर से पीएनबी वन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसे ओपन करें। एप्लीकेशन ओपन होते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, जिसमें यह आपसे कुछ परमिशंस मांगता है। सारे परमिशंस को देने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो इस जगह प्रोसीड टू लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। प्रोसीड टू लॉगिन पर क्लिक करते ही आपको पीएनबी वन के लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। चूंकि हम इस एप्लीकेशन में फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, इसलिए इस जगह नीचे न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। न्यू यूजर पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे रजिस्ट्रेशन मेथड चूज करने को कहा जाता है। इस जगह पीएनबी वन के नए अपडेट में आपको दो ही ऑप्शन देखने को मिलते हैं, या तो आप एटीएम कार्ड को वेरीफाई करके इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या दूसरा आप अपने आधार कार्ड को वेरीफाई करके इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आप एटीएम कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, तब एक दो स्टेप के बाद आपको अपने एटीएम कार्ड का नंबर और उसका पिन एंटर करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आप आधार कार्ड को सिलेक्ट करते हैं, तब एक दो स्टेप के बाद आपको अपना आधार कार्ड एंटर करके वेरीफाई करना होगा। बाद बाकी दोनों मेथड में रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर सेम ही है। इस जगह मैं आधार कार्ड की मदद से रजिस्ट्रेशन करने वाला हूं, इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन विद आधार पर क्लिक कर रहा हूं। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाए जाते हैं। आप चाहे तो सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे इस जगह कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे कुछ डिटेल्स फिल करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले इस जगह आप अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करें। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे इस जगह पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ में से किसी भी एक ऑप्शन को चूज करें और उसको फिल करें। मैं इस जगह डेट ऑफ बर्थ को चूज करके उसे ही फिल करने वाला हूं। तो इस जगह मैं डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक कर रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ पर क्लिक करते ही एक नया ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस जगह डेट ऑफ बर्थ को चूज करने के लिए सिंपली इस जगह कैलेंडर वाले आइकन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपको कैलेंडर शो हो जाता है। तो इस कैलेंडर की मदद से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज करें। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद इस जगह ओके पर क्लिक करें। ओके पर क्लिक करते ही इस बॉक्स में आपका डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक एंटर हो जाता है। उसके बाद नीचे आपको रजिस्ट्रेशन चैनल चूज करने को कहा जाता है। इस जगह बेसिकली आपसे यह पूछा जा रहा है, आप मोबाइल बैंकिंग सर्विस को एक्टिवेट करना चाहते हैं या मोबाइल बैंकिंग सर्विस और इंटरनेट बैंकिंग सर्विस दोनों को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद से इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ मोबाइल बैंकिंग को चालू करना चाह रहा हूं, इसलिए मैं मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज पर क्लिक कर रहा हूं। उसके बाद आपसे नीचे मोड ऑफ ऑपरेशन चूज करने को कहा जाता है। इस जगह बेसिकली आपसे यह पूछा जा रहा है कि आप किस पर्पस से इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। तो मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा हमेशा व्यू एंड ट्रांजेक्शन वाले ऑप्शन को ही चूज करें। तो इस जगह सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे ओटीपी एंटर करने को कहा जाता है और आपके अकाउंट नंबर से लिंक या रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। तो इस जगह आप अपने नंबर पर आए हुए ओटीपी को एंटर करें। तो इस जगह ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे आधार कार्ड का नंबर एंटर करने को कहा जाता है। इस जगह उसी आधार कार्ड का नंबर एंटर करें जो कि पिछले स्टेप में बताए गए अकाउंट नंबर से लिंक हो। तो इस जगह आधार नंबर एंटर करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपका आधार कार्ड वेरीफाई करने के लिए आपके आधार कार्ड से लिंक या रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। तो इस जगह आपके आधार कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को इस जगह एंटर करें। ओटीपी एंटर करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है, जिसमें आपसे कुछ पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। इस जगह एक चीज बताना चाहूंगा, कुछ फोन में इस जगह पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन नहीं आता है, या कुछ फोन में सिर्फ टीपिन सेट करने का ही ऑप्शन आता है, या कुछ फोन में इस जगह डायरेक्ट सक्सेस का मैसेज शो होता है, साथ ही आपका यूजर आईडी दिखा दिया जाता है। तो इस जगह आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इन सारे पासवर्ड को बाद में भी सेट कर सकते हैं जब आप इसमें लॉग इन कर लेंगे। तो सबसे पहले साइन इन पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं साइन इन पासवर्ड का फॉर्मेट बता देता हूँ। साइन इन पासवर्ड कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है।
इस जगह आप कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, तो इस तरह का आप साइन इन पासवर्ड रख सकते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद का साइन इन पासवर्ड एंटर करें, उसके बाद नीचे कंफर्म साइन इन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को री एंटर करें, उसके बाद नीचे आपसे ट्रांजेक्शन पासवर्ड सेट करने को कहा जाता है। यदि आप अपने अकाउंट में खुद से कुछ डिटेल्स को चेंज करना चाहते हैं तब आपको ट्रांजेक्शन पासवर्ड की आवश्यकता होती है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड का फॉर्मेट भी साइन इन पासवर्ड के जैसा ही होता है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। इस तरह का पासवर्ड आप रख सकते हैं। तो इस जगह आप अपने पसंद का पासवर्ड एंटर करें, उसके बाद नीचे कंफर्म ट्रांजेक्शन पासवर्ड की जगह सेम पासवर्ड को रीएंटर करें। उसके बाद नीचे होता है टीपिन। टीपिन का इस्तेमाल ट्रांजेक्शन करने के दौरान होता है। जैसे आपके एटीएम का पिन 4 अंकों का होता है, ठीक उसी प्रकार से यह पिन भी 4 अंकों का होता है। तो न्यू टीपिन की जगह आप अपने पसंद के 4 अंकों का डिजिट एंटर करें, उसके बाद नीचे कंफर्म न्यू टीपिन की जगह सेम पिन को रीएंटर करें। तो इस जगह सारे पासवर्ड को एंटर करने के बाद नीचे सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का एक मैसेज शो होता है और नीचे इस जगह आपका यूजर आईडी शो हो जाता है। तो इस यूजर आईडी को आप नोट करके रख लें, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में जब हम लॉगिन करेंगे तब इसकी आवश्यकता होगी। तो इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए नीचे साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें इस जगह आपसे यूजर आईडी एंटर करने को कहा जाता है। यदि आप साइन इन पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर ना आ पाए तब आप इस एप्लीकेशन को क्लोज कर दें, उसके बाद दोबारा ओपन करके इसी पेज पर आ जाएं। तो पिछले स्टेप में आपने देख ही लिया होगा कि आपका यूजर आईडी कौन सा है, तो इस जगह उस यूजर आईडी को एंटर करें। यूजर आईडी एंटर करने के बाद इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक करने के लिए सिम को चूज करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप अपने बैंक अकाउंट से लिंक या रजिस्टर्ड नंबर वाले सिम को चूज करें। यदि आपके फोन में एक ही सिम कार्ड लगा हुआ है तब इस जगह एक ही सिम कार्ड शो करेगा, बट एक चीज का ध्यान रखें कि आपका वह सिम आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो। तो इस जगह सिम कार्ड को चूज करने के बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यह वेरीफाई करना शुरू कर देता है कि आपने जिस सिम कार्ड को चूज किया है वह आपके फोन में लगा है या नहीं। साथ ही आपके रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। तो इस जगह अपने रजिस्टर्ड नंबर पर आए हुए ओटीपी को एंटर करें, उसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होता है जिसमें आपसे एमपिन सेट करने को कहा जाता है। तो इस जगह आप 4 अंकों का एमपिन सेट कर लें। एमपिन सेट करने का फायदा यह होगा कि इस एप्लीकेशन में लॉगिन करने के लिए आपको बार बार यूजर आईडी और पासवर्ड एंटर करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप सिंपली 4 अंकों का एमपिन एंटर करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। तो इस जगह एमपिन सेट करने के लिए सबसे पहले इस जगह अपने पसंद के 4 अंकों का एमपिन एंटर करें, उसके बाद नीचे इस जगह सेम एमपिन को रीएंटर करें। दोनों जगह एमपिन एंटर करने के बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। सबमिट पर क्लिक करते ही एमपिन सेट सक्सेसफुली का एक मैसेज शो होता है, साथ ही नीचे साइन इन का एक ऑप्शन भी दिखाया जाता है। तो इस जगह साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन इन पर क्लिक करते ही आपको लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। एमपिन सेट करने के बाद आपका लॉगिन पेज कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। अब आप जब भी इस एप्लीकेशन को क्लोज करके दोबारा ओपन करेंगे तब इसी तरह का इंटरफेस शो होगा जिसमें आप सिंपली अपना एमपिन एंटर करके इस एप्लीकेशन में लॉगिन हो सकते हैं। तो मैं लॉगिन करके भी दिखा देता हूं। तो इस जगह आप अपने 4 अंकों का एमपिन एंटर करें। एमपिन एंटर करते ही आप PNVON के होम पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप PNVON एप्लीकेशन में पहली बार रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस जगह आप PNVON के कई सारे फीचर्स देख सकते हैं। अब आप चाहें तो इस एप्लीकेशन की मदद से अपने अकाउंट का अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं, या अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, या आप अपने अकाउंट से पैसे किसी दूसरे अकाउंट पर भेज सकते हैं। वैसे मैं इस एप्लीकेशन के सारे फीचर्स को किसी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस जगह एक चीज और बताना चाहूंगा, कई दोस्तों को इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन के दौरान ओटीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे दोस्त अपने ब्रांच में जाकर अपना KYC और मोबाइल नंबर अपडेट करवा लें। उसके 24 घंटे के बाद इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करना शुरू करें, उसके बाद आपको ओटीपी की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका कुछ और भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। हेलो दोस्तों।